हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल स्टडी हैक। देन हम सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट किया था, हमारा मोस्टली फोर्थ स्टेप हो चुका है। देन आज हम फिफ्थ स्टेप देखने वाले, इम्पेलर डिज़ाइन। इम्पेलर डिज़ाइन में हमें क्या क्या सॉल्व करने हैं वो हम देखते हैं। देन इम्पेलर डिज़ाइन में हमें D1 सॉल्व करना है, D2 करना है, थिकनेस करना है, S1 S2 करना है, देन वैन एंगल है वो सॉल्व करना है, देन विड्थ सॉल्व करनी है। देन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायमीटर से। फॉर्मूला D2 इज इक्वल टू KU इंटू 60 डिवाइड बाई पाई एन इंटू रूट ऑफ 2GHm। KU क्या है, हमारा स्पीड रेशियो, उसकी रेंज रहती है 0.95 से लेके 1.25 तक। देन आप कोई भी डाल सकते हो। देन HM भी हमारे पास अवेलेबल है, एंड ये हमने निकाला था 1440। देन D2 मिल गया हमें मीटर में, उसे कन्वर्ट किया मैंने MM में। देन D1 के लिए हमारे पास रिलेशन है, D1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू D2। ये कहाँ से आया, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। D1 इज इक्वल टू 0.1881 MM निकाला, उसे कन्वर्ट किया मीटर में। देन सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इंपीरियर हमें फाइन करने रहते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है वेलोसिटी का, पाई डी एन डिवाइड बाई 60। देन U1 है इसलिए D1, देन ये हमारे पास स्टैंडर्ड ही है 1440 हमने निकाला था। D1 भी हमने सॉल्व किया इधर से, और वेलोसिटी का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए डालते समय मीटर में ही डालना है। देन U1 मिल गया हमें 14.70 मीटर पर सेकेंड। सेम हमें U2 के लिए भी सॉल्व करना है, इधर D2 डालना है। देन U2 मिल गया 28.36 मीटर पर सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखिए। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड VF1 इज इक्वल टू साई इंटू रूट ऑफ 2GHm। HM हमारे पास है, साई के वैल्यू 0.1 से लेके 0.25 कोई भी डाल सकते हो। देन VF1 हमें मिल गया 4.478 मीटर पर सेकेंड। देन VF2 भी सेम रहेगा VF1 के साथ ही, उसकी भी वैल्यू 4.478 मीटर पर सेकेंड। देन इनलेट वैन एंगल मैंने बताया था, B1 एंड B2 फाइंड करना है। B1 का फॉर्मूला टायर इनवर्स ऑफ VF1 हमारे पास अवेलेबल है, U1 भी अवेलेबल है। देन वैल्यू पुट करने के बाद B1 निकाला 17.53 डिग्री। देन B2 क्या रहता है, 70.5 से लेकर 27.50 इन बिटवीन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन B2 भी मिल गया। देन फिफ्थ है इंपेलर ऑफ विड्थ। डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यू इज इक्वल टू एरिया आ गया पाई D1 इंटू B1 VF1 वेलोसिटी। देन थोड़ी बार एडजस्टमेंट करके मैंने B1 का फॉर्मूला निकाला, क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई पाई D1 इंटू VF1। D1 भी है, VF1 भी हमने सॉल्व किया था, एक्चुअल भी हमारे पास अवेलेबल है, हमने सॉल्व किया था स्टार्टिंग में ही। देन B1 हमें मिल गया मीटर में, उसे कन्वर्ट किया मैंने MM इंटू 1000। सेम मैंने B2 के लिए किया है, फॉर्मूले में सिर्फ इधर आएगा D2 इंटू इधर आएगा VF2, बिकॉज B2 सॉल्व कर रहे हैं। वैल्यू पुट करने के बाद मुझे B2 मिल गया 3.1365 MM में। देन नंबर ऑफ वैन निकालना है मुझे Z। फॉर्मूला 30 इंटू D2 प्लस D1 डिवाइड बाई D2 माइनस D1 इंटू साइन ब्रैकेट ऑफ B1 प्लस B2 डिवाइड बाई 2। देन हमारे पास D2 D1 B1 B2 हमने सॉल्व किया था, सब अवेलेबल है। वैल्यू पुट करने के बाद Z आया 9.83। देन Z इज इक्वल टू 10 वैन, आप 11-12 भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने 10 लिया है। देन Z भी मिल गया। देन थिकनेस सबसे आसान है, 4mm से लेकर 10mm तक आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने 7mm की है, आपको ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, बट रेंज 10mm तक। देन वैन स्पेसिंग S1 एंड S2 पाई D1 डिवाइड बाई Z। D1 भी हमारे पास अवेलेबल है, हमने Z भी निकाला है 10 वैन। वैल्यू पुट करने के बाद हमें S1 मिल गया। देन S2 भी सेम है, इधर D2 आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद हमें S2 मिल जाएगा। देन इम्पेलर डिज़ाइन में हमने सब कैलकुलेट कर लिया है, हमें D1 चाहिए था मिल गया, D2 भी निकाला है, थिकनेस निकाला है, S1 S2 भी निकाला है। देन जो एंगल है हमने उसे भी सॉल्व किया। देन स्टेप नंबर 6, डिज़ाइन ऑफ इम्पेलर शाफ्ट। आपको फ्लेक्सिबल फॉर्मूला पता ही होगा, टाउ डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू टी बाय जे। देन टाउ, देन आर का रहता है हमारा डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिवाइड बाय 2, हमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट सॉल्व करना है। देन टी डिवाइड बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको पता होगा। देन मैंने इधर मटेरियल सिलेक्ट किया है बिकॉज हमें टाउ चाहिए, C45 लिया, उसका सिग्मा UT 380, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, देन सिग्मा T 95 का हाफ, टाउ 47.5, ऑल यूनिट इट्स न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर। देन एक फॉर्मूला हो गया। देन मैंने थोड़ी बार एडजस्टमेंट करके मैंने इधर डायमीटर ऑफ शाफ्ट डायरेक्ट निकाला है, आप देख सकते हो एडजस्टमेंट। देन ये फॉर्मूला है, मैंने दो दो फॉर्मूले इधर लिए, बिकॉज अगर ये फॉर्मूला आप यूज़ करते
हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, या कैन सॉल्व करके भी आ सकता है। देन आप ये करते हो तो आपको 3 से 4 सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा। देन फर्स्ट हमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालना है, टाउ हमें मटेरियल सिलेक्शन में मिल गया। देन टी टॉर्क कैसे निकाले गए, पावर आपको पता ही है, पावर का फॉर्मूला 2π(nT/60)×1000। देन पावर आपको 11 kW, यन आपको 1440। देन इधर आपको टी मिल जाएगा 72.94 Nm में, आपको उसे कन्वर्ट करना है mm में ×10³। ऑल वैल्यू मैंने पुट किया, हमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट मिल गया 90.76 mm में। देन आपका ऑल कैलकुलेशन हो चुका है, सिर्फ आपको वॉलेट केसिंग करनी है। इसमें आपको डायमीटर ऑफ वॉलेट केसिंग, विड्थ एंड थिकनेस सॉल्व करनी है। देन स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ केसिंग आपको सिर्फ इधर रिलेशन याद रखने हैं, D3 = 1.07 × D2। D2 आपके पास अवेलेबल है, D3 भी इधर मैंने निकाला 402.5 mm। देन विड्थ के लिए भी आपके पास रिलेशन अवेलेबल है 1.75 × B2। वैल्यू पुट करें B2 की, देन आपके पास B3 भी मिल गया 5.47 mm। देन थिकनेस सॉल्व करनी है, फर्स्ट थिकनेस के लिए अच्छा सा कोई मटेरियल सेलेक्ट करना है। PSG 1.43 GCI 20 मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया, σUT 220 Nm/mm², फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, सिग्मा टी कैसे निकाला, σUT/फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देन सिग्मा टी भी मिल गया 55 Nm/mm². देन आपको ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा जो हमने गियर पंप में भी यूज़ किया था, सिर्फ इधर +1 किया है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। देन उस पहले आपको प्रेशर निकालना होगा, प्रेशर का फॉर्मूला ρg × hm, hm भी आपके पास है, रो भी है, जी भी है, वैल्यू पुट किए, हमें यूनिट मिल गए Nm/m² में, बट D3 हमारा पास है mm में, सिग्मा टी है Nm/mm² में। देन इसलिए मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइड बाय 1000² से उसको डिवाइड किया, फिर हो गया वो mm² में। देन वैल्यू पुट कीजिए, देन थिकनेस हमारे पास आ गए 2.63 mm, या आप उसको राउंड अप करके 3 mm भी कर सकते हो, बट इन कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन टेक T = 6 mm, या आपको हर समय करना है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के लिए थिकनेस 6 mm ही ली जाती है।